और जो चीजें आपके पास नहीं है वो ऑटोमेटिक आपके जीवन में वो बढ़ते चली जाएगी। आपको उसके लिए प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। आपको आपके खाने के लिए, आपके रहने के लिए, आपके कपड़ों के लिए आपको प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। प्रभु अभी क्रिसमस, आने वाले क्रिसमस में मैं क्या पहनूं, परमेश्वर मेरे पास जूते नहीं है, प्रभु मेरे पास अच्छे, आपको इन चीजों के लिए प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अविश्वासी लोग प्रार्थना करते हैं। मैथ्यू चैप्टर 6 लिखा गया कि अविश्वासी लोग इन सारे चीजों के पीछे रहते हैं, इन सारे चीजों की अपेक्षा करते हैं, लेकिन अगर तुम मेरा राज्य और मेरी धार्मिकता की खोज करोगे, ये सारा चीज ऑटोमेटिक तौर पर तुम्हारे पीछे हो लेगा। हम ऐसे लोग बने जो परमेश्वर को चाहने वाले लोग हैं। प्रभु आप अपना बुद्धि ज्ञान प्राप्त करें आपके लोगों का मार्गदर्शन करें। मैं आपको कहना चाहता हूं प्रियो कि होने दो, परमेश्वर से आज हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आप हम पर इस प्रकार का बुद्धि और ज्ञान प्राप्त करें। प्रभु आप इस बुद्धि ज्ञान को हमारे पर उंडेले प्रभु जी, कि हम कार्य कर पाए आपकी बातों में, हम प्रभु अनुभव कर पाए आपकी चीजों को, प्रभु आपकी मनसा को हम इस पृथ्वी पर पूरा कर पाए। परमेश्वर अपनी आंखें बहुत ही अपेक्षा के साथ इस पृथ्वी पर लगाए हुए हैं, इस पृथ्वी पर लगाए हुए हैं।